बहुत स्वभाव के हैं एकदम, हमें लगे ही नहीं कि सर इतने बड़े पदों पर रहे और हम उनसे मिल के आए हैं, उन्होंने पूजा पाठ करते हुए ऐसा मिले हमको। तो अब मैं जाना समझा लेती हूँ कि सर से, सर के ही विचार सुनना चाहते हैं हम लोग। और मैं सर से कहना चाहूँगा कि ये लोग सभी स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो बड़े उत्सुक थे, आपका इंतजार कर रहे थे, तो आप अपने तरीके से उनको थोड़ा मार्गदर्शन करें। चलिए, सबसे पहले मैं मनोज देवलिया जी और बुंदेलखंड एकेडमी के संस्थापक और इससे जो एकेडमी से जुड़े हुए जो रिसोर्स पर्सन हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जब ये आए और इन्होंने कहा कि एकेडमी में गांव के जो बच्चे हैं उन बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, तो मुझे बड़ा खुशी हुई, क्योंकि किसी भी चीज़ को चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, तो एक सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तो ये जो प्रशिक्षण है ये प्रशिक्षण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और प्रशिक्षण में दो तरह की बातें रहती हैं, दो तरह की चीज़ें रहती हैं, एक तो मतलब एक सकारात्मक अपना दिमाग का सोच बनता है, ठीक है ना, तो दिमाग का सकारात्मक सोच, तो हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, ठीक है ना, अपने माइंड में अपने मस्तिष्क में ये सबसे पहले धारित करना पड़ता है कि हमको कहाँ जाना है। जैसे मान लो कि नदी क्रॉस करना है तो अपने में वो ताकत बनाना पड़ती है तब नदी क्रॉस कर पाएंगे, नहीं तो करेंगे कैसे। या बात दूसरी टीम से अपन खेल रहे हैं तो अपने को जीतना है तो तभी जीत पाएंगे जब आप अपने मन में सोच बना लो। तो इसी तरह से कंपटीशन में भी, चाहे छोटा कंपटीशन हो चाहे बड़ा कंपटीशन हो, कंपटीशन होता है, चाहे वो 5 बच्चों में हो रहा है या 5,000 लोगों में हो रहा है या 5,00,000 लोगों में हो रहा है, लेकिन ये है कि हमको उनमें से सिलेक्ट होकर के आना है, हमारा मतलब सिलेक्शन होना है। तो सिलेक्शन के लिए दिमाग में अपना सोच, तो एक तो ये है कि नकारात्मक भाव मन में आ जाता है, सोच नकारात्मक बन जाता है, दूसरा सकारात्मक सोच बनता है। तो सकारात्मक सोच सबसे पहले सोच बनाना, तो हमको अपना सकारात्मक सोच बनाना है, तो नकारात्मक सोच ना बना करके हमको सकारात्मक सोच बनाना है। तो सकारात्मक सोच तभी बनती है जब आप एक सकारात्मक माहौल में रहोगे, अपने परिवार में भी सकारात्मक ऊर्जा हो, घर परिवार में जहाँ भी रहते हैं जैसा भी है, कच्चा है पक्का है या जो भी साधन है अपने पास में, तो घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा हो। दूसरा, हमारे जो मित्रगण हैं जिनके साथ में हम पढ़ रहे हैं उनके साथ टीम अच्छी हो, जैसे आपके मतलब 2 मित्र हैं तो 2 मित्र अच्छे होना चाहिए पढ़ने वाले, जो सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करते हैं और एक दूसरे को ऊर्जा का संचार करते हैं, एक तरह से सम्मान होता है। अभी एक डायग्राम जैसे हम बनाए तो मतलब सकारात्मक ऊर्जा कैसे पैदा होती है और फिर वो कैसे उसका जाती है, तो उस तरह का एक डायग्राम बनता है। तो मन में एक सोच रखना, तो मन में सोच कैसे आएगा, जब अपन ये मन में पैदा कर लेंगे कि देखो हम ये काम कर सकते हैं, ऐसा ये काम असंभव नहीं है, हम जो है किसी भी कंपटीशन में निकल सकते हैं आसानी से। तो निकलने के लिए अपन क्या करें कि अच्छे लोगों को याद करें हैं, जो सिलेक्ट हो चुके हैं पहले से, तो वो कैसे सिलेक्ट हुए थे, मतलब जिस स्कूल में मान लो कि आप लोग पढ़ रहे हो तो उस स्कूल के ही जो छात्र हैं वो पहले कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई शिक्षक बन गया, कोई कुछ बन गया, तो उन लोगों से लर्न करना है, उनसे सीखें और सीख करके फिर अपने आप को
एक माइंडसेट बनाओ कि हम जो है ये काम कर सकते हैं, और काम करने के लिए सकारात्मक सोच बन के एक माइंडसेट बन जाता है, अपना माइंडसेट बन गया कि हम ये काम जो है वो कर सकते हैं। तो एक माइंडसेट बनाओ, सकारात्मक ऊर्जा बनाओ, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करो। नकारात्मक भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो नकारात्मक भाव ना आवे, सकारात्मक भाव बनाना है अपने को। तो अपने दिमाग का जो माइंड सेट है, हमको क्या बनना है, हमको पुलिस कांस्टेबल बनना है, हमको पटवारी बनना है, हमको जो है डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना, हमको वन रक्षक बनना, हमको शिक्षक बनना, मतलब वो तमाम सारे रास्ते हैं अपने लिए, हमको अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो ये चीजें हैं। तो सकारात्मक सोच अपने को बना करके रखना है, और सकारात्मक सोच कैसे बनेगी उसके लिए हमको सकारात्मक जो लोग हैं उनको देखना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनसे संपर्क हमारे बनेंगे, फिर हमारी जो फ्रेंडशिप है वो अच्छे लोगों से होगी, अच्छे छात्रों से होगी, तो हमारा फिर सकारात्मक सोच बनता जाएगा। और जो नकारात्मक भाव है उसको, नकारात्मक जो ऊर्जाएँ हैं कि नहीं ये काम हो ही नहीं सकता, ये तो हम कर ही नहीं सकते, हम ये लिख नहीं सकते, हम ये संदेश टाइप नहीं कर सकते हैं, तो वो सब नकारात्मक चीज़ें होती जाती हैं, नकारात्मक भाव बनते हैं। तो जब सकारात्मक सोच बनता है तो हमारा जो है बहुत अच्छा शारीरिक भी हम अच्छी ग्रोथ करते हैं, बोला हमारा शरीर भी साथ देगा, हमको समय पर भूख लगेगी, समय पर हम खाना खाएंगे, समय पर हम घूमने जाएंगे, समय पर कुछ एक्सरसाइज करना है तो एक्सरसाइज करेंगे, तो ये सब मतलब समय पर नहाएंगे, समय पर भोजन करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, तो फिर वो सकारात्मक सोच अपना बनना है। तो सकारात्मक सोच बनाइए, तो सकारात्मक सोच आपको बनाना है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि कोई काम असंभव नहीं है, कोई असंभव नहीं है। असंभव इसलिए नहीं है कि जीते जागते हम आपके सामने बैठे हुए हैं, हम इसी गांव से इसी मिट्टी से पले पढ़े, हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़े, फिर हम आलमपुर के माध्यमिक विद्यालय में पढ़े, हाई सेकेंडरी स्कूल में हमने शिक्षा ली, हमको यहीं के शिक्षक लोगों ने पढ़ाया, और इसके बाद फिर हम आलमपुर के ही महाविद्यालय में पढ़े और भिंड परीक्षा देने जाते थे, इसके बाद ग्वालियर में पढ़े, फिर भोपाल में पढ़े, और फिर हम जो है व्याख्याता बन गए, फिर व्याख्याता बने, व्याख्याता की सर्विस छोड़ करके फिर राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया हमारा, और हमारा राज्य प्रशासनिक सेवा में 2 बार चयन हुआ, क्योंकि रिजल्ट आने में लेट हुआ, तब तक मैंने दूसरा भी दे दिया। तो जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे अपनी एकेडमी में, प्रशासनिक एकेडमी, तो उस समय दूसरा रिजल्ट भी आया, तो उसमें भी मैं दूसरी बार फिर से सिलेक्ट हो गया, तो मैं 2 बार सिलेक्ट हुआ राज्य प्रशासनिक सेवा में। तो आपके गांव का लड़का इसी मिट्टी में जन्मा, इसी में पढ़ा, इसी में बढ़े, और फिर जो है हम उसमें कंपटीशन में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि माहौल ऐसा बनता गया, और हमारे मित्र लोग और हमारे साथी लोग जो है अच्छे रहे, शिक्षकों ने मोटिवेशन हमारा बनाया, नहीं ये काम तुम कर सकते हो, तो हम जो है उसमें पढ़ते रहे, और पढ़ करके जो है हम जो है राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन हुए, और राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन होकर के जिस जिले में भी गए उस जिले के लोगों ने मेरे को नहीं छोड़ा कभी भी सर्विस में। यदि ट्रांसफर भी हुआ तो ये मांग आई कि नहीं इनका नरस्त हो, तो मैं सबसे ज्यादा जहां भी गया वहीं रह गया, और दूरी दूरी पर मेरी पोस्टिंग हुई, छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग हुई, मालवा में, मंदसौर, रतलाम, और उस तरफ हमारी पोस्टिंग हुई। तो राज्य प्रशासनिक सेवा, इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में इंडक्शन, और इंडक्शन के बाद फिर हमने देश विदेश में सभी जगह ट्रेनिंग की, और मतलब दिल्ली के विज्ञान भवन में हमको 3 बार राष्ट्रपति से सम्मान मिला, राष्ट्रपति से अवार्ड मिले। तो ये आपके बीच का ही ऐसा लड़का है जिसको ये सब चीजें मिली हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी इसको कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है।
बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस ये है कि एक निष्ठा, अगर निष्ठा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि नहीं हम अपने काम के प्रति निष्ठावान हैं, हम काम के प्रति निष्ठावान हैं तो हमारी जो इंटेग्रिटी है वो जन्म से ही और समझ से ही हमारी इंटेग्रिटी सही होना चाहिए। तो इंटेग्रिटी हमारी सही है, निष्ठा हमारी सही है और हम एकाग्र हैं। एकाग्र चित्त, मन को एकाग्र चित्त करना, तो एकाग्र चित्त करके और फिर सही दिशा लेना कि ये दिशा आपकी ये है, तो सही दिशा का चयन और सही दिशा के चयन के बाद फिर अपना काम शुरू हो जाता है, मतलब पढ़ने का, समझने का, करने का, ये सब चीजें जो है अपनी तेजी से जो है वो फैलने लगती है। और फैलने लग जब फैलेंगी तो आप लोग देखोगे कि फिर आप में एक पावर बन रहा है दिमाग में, एक जो पॉजिटिव माइंड सोच माइंडसेट बना है उसमें पावर का जनरेशन हो रहा है। और फिर अपने आप को ये महसूस करोगे कि अब हम जो है बहुत तेजी से लर्न कर रहे हैं चीजों से, तेजी से लर्न कर रहे हैं, कोई चीज हमसे छूट नहीं रही, हमें समझ आ गई है, अंडरस्टैंडिंग आ गई, हमें पॉजिटिव सोच बन गया और हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं। और विषय का सही चयन, विषय का सही चयन, रास्ते का सही चयन कि हमको इस रास्ते पर जाना है, हमको इस सब्जेक्ट में लेना है। जरूरी नहीं है कि हम केवल मैथमेटिक्स ही अच्छा करें, कोई आवश्यक नहीं है। यदि मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि मैथमेटिक्स पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, लेकिन यदि आप हिंदी लिटरेचर भी पढ़ते हैं तो हिंदी लिटरेचर भी अच्छा है, हिस्ट्री अच्छी है, सामाजिक विज्ञान अच्छा है, हर सब्जेक्ट अच्छा है, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो खराब हो। बात यह है कि आपका चयन सही हो कि हमको स्ट्रीम कौन सी पकड़ना है। तो इसी तरह से हमको ये भी चयन करना है कि हमको सर्विस कौन सी ठीक लगेगी। हम अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, हम अच्छे जो है पटवारी बनना चाहते हैं, हम अच्छे पुलिस में अधिकारी बनना चाहते हैं, हम प्रशासन में अधिकारी बनना चाहते हैं, अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ये जो चयन है, ये चयन की जो आपकी क्षमता है वो सही दिशा में, सही सोच, सही चयन और सही चयन के बाद फिर तैयारी, और तैयारी में जो गाइडेंस है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये मनोज हमारे पास आए, आप दोनों लोग, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे गांव के बच्चों को जो है एक जगह कहीं बिठा करके और जो है उनको पढ़ाया जा रहा है, कॉम्पिटिशन की तैयारी कराई जा रही है, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए इस तरह की जो सेवाएं देना, तो जहां सेवाएं दे रहे हैं वो लोग अभिनंदनीय हैं कि बहुत अच्छा काम है, और साथ में आप लोग सब लाभान्वित हो रहे हो, तो सब लाभान्वित हो रहे हो और बहुत सफलता, सक्सेस के जो की पॉइंट होते हैं उन की पॉइंट को जरूर आप लोग अपने जहां भी, जैसे आपका घर है तो आप मकान की दीवार पर लिख कर भी रखें, एक 4-5 पॉइंट लिख करके रखना चाहिए कि हमको मतलब सोच क्या है, हमारा सोच क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी दिशा क्या है चलने की, ये लिख करके रखो दीवार के ऊपर, जिससे जब सुबह जगो तो निगाह ऐसी जाना चाहिए कि हमारा ये लक्ष्य है। तो जब उसको बार बार देखोगे तो टारगेट करोगे, और बार बार उसको नहीं देखोगे तो फिर टारगेट नहीं कर पाओगे। इसलिए जहां भी हम सोते हैं, जहां खाना खाते हैं, आते जाते हैं, उसमें हमको वो भाव जो है वो प्रदर्शित होना चाहिए। तो जहां भी हमारे जब ये होते हैं, क्योंकि हम लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी या भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है वो मंसूरी में है, तो मसूरी में वो जो क्लासरूम है उसमें वो सारी चीजें जो है बड़ा प्रोजेक्टेड दिखा देते हैं, वो मतलब बहुत पंचुअल रहते हैं कि नहीं आपको 9:30 बजे है तो 9:30 बजे आपको जाना है,
पानी की बोतल है तो वो बोतल एक एक सबको देते हैं और उसमें भाव ये रहता है कि आप पानी की बोतल किसी का उपयोग करोगे जब तक आपको 2 महीने ट्रेनिंग दी जा रही है 45 दिन की 1 महीने की, तो आप इसी बोतल को डेली लाओगे, इसी में पानी लाओगे और बैग के साथ में ले आओगे और उसी को फिर वापस ले जाओगे, ताकि अलग अलग बोतल से फिर से न देना पड़े और उसी बोतल से आपका पूरा काम चल जाए। तो ये चीजें जो है लिख करके रखना पड़ती है, टारगेट करना पड़ता है, तो टारगेट अच्छा करिए और टारगेट अच्छा करके और पॉजिटिव सोच बना करके और करोगे तो आपको गोल जो है निश्चित रूप से 100% 100% जैसा चाहोगे वैसा बनोगे। बस सोच बनाइए, सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करिए, सही रास्ता चुनिए, टारगेट करिए, गोल हमारा ये है और इसके बाद फिर आपको जो है वो टारगेट कर देना, तो इस तरह की बात है। तो इस बात को सभी लोग अच्छी तरह से करोगे क्योंकि धीरे धीरे संख्या बढ़ती है, मतलब अभी 20 है, 25 है, 30 है, फिर आगे चल करके 50 हो जाओगे, 100 हो जाओगे, 150 हो जाओगे और फिर पूरी बस्ती के लोगों को और आसपास खबर लगेगी कि ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है, तो सारे लोग फिर यहीं पर आएंगे और सभी लोगों को बढ़िया अच्छा रोजगार मिलेगा और सकारात्मक ऊर्जा को बनाने में आप सभी लोग सहभागी बनेंगे, जैसे कि हम आज सहभागी हो गए। हम इसलिए सहभागी हैं क्योंकि हम एक मास्टर ट्रेनर है, हम मास्टर ट्रेनर हैं। मास्टर ट्रेनर इसलिए है क्योंकि हम जो है अलग अलग तरीके से निकले और इसके बाद फिर वो उसमें हमारा 35 साल का सफर रहा सेवा काल का और मतलब अलग अलग तरह के आयामों में, तो हम जिस जिले में गए वहाँ पर हमने ये पसंद किया कि हम अपना सर्विस छोड़ करके कुछ समय अपना एक लेक्चर देने में चले जाएं, लेक्चर देने में हम चले जाएं, तो हम कॉलेज में और कहीं कंपटीशन की चल रही है, कोचिंग क्लास चल रही है, तो उसमें इंदौर में हम जाते थे उसमें एकेडमी में पढ़ाने के लिए, अक्षय एकेडमी और कई जहाँ भी मिला, छिंदवाड़ा में हमने खुद ही कोचिंग शुरू करवा दी थी कलेक्टर की तरफ से, जब मैं कलेक्टर था छिंदवाड़ा में 4 साल तक रहा तो मैंने 3-4 लोगों को कहकर के एक बड़ी ट्रेनिंग कैंप शुरू करवाया था, तो बड़ा ट्रेनिंग कैंप शुरू करके आसपास के सब गाँव के और उससे आ गए और फिर उन्होंने PSC की तैयारी करी और दूसरी कंपटीशन की तैयारी करी, फॉरेस्ट की तैयारी करी और फिर उनको वो सफलताएं मिलना शुरू हुई, तो उसका लक्ष्य बहुत अच्छा निकला, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, तो पता चला कि साहब छिंदवाड़ा से सिलेक्ट क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, तो पता चला कि साहब वहाँ उसका एक वहाँ कैंपस है और उसका योगदान है, तो किसी न किसी का योगदान मतलब होता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है आप लोगों को और उस प्लेटफॉर्म में बैठ करके आपको पढ़ने का मौका मिलता है, बैठने का मौका मिलता है, आपको अपने मित्र मिलते हैं, साथी मिलते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर के और फिर आप अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। तो अलग अलग तरह के समूहों से लोग आते हैं, छात्र आते हैं और बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ करके और कॉम्पिटिशन करते हैं। अब नहीं पढ़ रहे हैं उनकी तरफ मत सोचिए, ठीक है ना, जो नहीं पढ़ रहा है उसकी तरफ जो है उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव चीजों को डिस्करेज कर देना है और पॉजिटिव चीजों को उठा लेना है कि ये हमारे लिए सही है। तो जैसे कि मतलब सब्जी लेने जाओ तो ताजी सब्जी मिल रही है तो हम ताजी सब्जी, ताजा टमाटर है, ताजा मूली है, ताजा धनिया है, मिर्ची है, तो उसी को ही हम सिलेक्ट करते हैं, तो ताजी ताजी चीजों को आप सिलेक्ट करिए, तरोताजा रहिए और फिर अपना कॉम्पिटिशन में जो है पढ़ करके और अच्छी तरह से अपना कर देंगे। तो एक ये अच्छी बात है कि आप अपने गांव का नाम रोशन करोगे, आलमपुर का है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी जब वहाँ एकेडमी में और उसमें ट्रेनिंग लेने जाते थे तो मैं वहाँ कहता था कि मैं तो गाँव से ही पढ़ा हुआ हूँ और मतलब पैदल चल करके हम आते थे यहाँ आलमपुर में पढ़ने के लिए, पैदल चल करके पढ़ने के लिए आलमपुर आते थे हम और पैदल हम अपने गांव जाते थे, तो पैदल चल करके आना, पैदल चल करके जाना,
और फिर यहाँ पर पढ़ना और पढ़कर फिर उस माहौल से जो है एक पॉजिटिव चीजें बनी रही और शिक्षकों का सहयोग रहा, मार्गदर्शन रहा, फिर आगे चल करके हमको ग्वालियर में अपॉर्चुनिटी मिल गई, भोपाल में मिल गई, तो हम जो है आगे बढ़ गए। तो इस तरह से मामला होता है, है? और जो पढ़ता है वो अपने आप को साबित कर देता है, वो अपने आप को साबित कर देता है। क्योंकि जब हम यहाँ के आलमपुर के कॉलेज से पढ़ करके जब मैंने MLB वहाँ विक्टोरिया ये इसमें ग्वालियर में एडमिशन लिया ज्योग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MA के लिए, तो वहाँ ग्वालियर के पढ़े हुए लोग थे, लड़के लड़कियाँ, और हम आलमपुर से पढ़ करके गए थे। तो जब हम वहाँ प्रीवियस में पढ़े तो प्रीवियस में हम अपना पढ़ते रहे, अपने मेहनत से पढ़ते रहे, अपने सीखते रहे, अपने उन्हीं लोगों के साथ में पढ़ते पढ़ते उन्होंने सोचा हुआ कि ये तो गांव से पढ़ा हुआ लड़का आया है, ये क्या करेगा, ठीक है ना। तो जब वो प्रीवियस के जब रिजल्ट हमारे आए तो वहाँ हमने उसमें कॉलेज में टॉप कर दिया। से हमारी पोजीशन MLB कॉलेज में टॉप पर आई थी, आश्चर्य हो गया सभी को कि भाई देखिए गांव से पढ़ा हुआ लड़का, मैं तो समझ ही नहीं रहा था कि ये जो है इतना सही उसका रिजल्ट आएगा, और वो समय बन गया। ऐसी चीज है, इसके बाद जो फाइनल हुआ तो फाइनल में भी पोजीशन आई और मतलब यूनिवर्सिटी में हमारी रैंक बनी ज्योग्राफी में। तो